पाकिस्तान में इन्फ्लेशन इतना हाई है कि वो लास्ट 48 इयर्स के हाई पर। पाकिस्तान की कंडीशन इंडिया के लिए भी बहुत ही जरूरी है और उसी के साथ इंडिया को पाकिस्तान की इन गलतियों से सीखना भी चाहिए। हेलो नमस्कार, आज के वीडियो में हम जानेंगे पाकिस्तान की करंट इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में और ये भी समझे कि इनकी गलतियों से इंडिया क्या सीख सकती है। कई वजहों से जैसे कि इंक्रीजिंग डेट, बहुत ही हाई इन्फ्लेशन, लो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से पाकिस्तान तबाह हो चुकी है। आज के वीडियो में हम इन्हीं सारी चीजों पे एक नजर डालेंगे। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि वो ऑलमोस्ट कोलैप्स तक पहुंच चुकी है। वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान ने लास्ट 2 decades में अपने पॉवर्टी को काफी हद तक कम किया है, मगर उनका जो इकोनॉमिक ग्रोथ रहा है वो बहुत स्लो और वोलेटाइल रहा है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान का जो टोटल एक्सटर्नल डेट है वो करीब करीब 130.433 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुका है। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन इतना हाई है कि वो लास्ट 48 इयर्स के हाई पर है। इसी के साथ उनका जो पाकिस्तानी रुपी है वो भी बहुत ही ज्यादा डीवैल्यू हो चुकी है। इसी के साथ पाकिस्तान का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो भी बहुत ही लो हो चुका है। इनफैक्ट इट हैज रीच्ड अराउंड जनवरी में 4.3 बिलियन डॉलर्स, व्हिच इज लोअर देन व्हाट इट हैड इन 2014, अनइमेजिनेबल। तो इन्हीं सारी क्राइसिस के बीच में पाकिस्तान अब एनर्जी क्राइसिस से भी गुजर रहा है। एनर्जी शॉर्टेज की वजह से उनका जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है, जो कॉम्पिटिटिवनेस है, उस पर बहुत ही खराब इफेक्ट पड़ रहा है और ये उनकी इकोनॉमी को और भी गहरे कुएं में धकेल रहा है। पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल कंडीशन है वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। इट इज मार्क्ड बाय पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इसीलिए आप उनसे एक टाइमली और कोहेरेंट पॉलिसी रिस्पांस एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब है कि IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने भी उनको लोन देने से मना कर दिया है। पर इन सारे प्रॉब्लम्स के बीच में जो पाकिस्तान अभी फेस कर रहा है, एक सवाल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आके खड़ा हो जाता है। वो ये है कि क्या इंडिया को फर्क पड़ता है पाकिस्तान के इस हालत से? तो जवाब है हाँ। पाकिस्तान की कंडीशन इंडिया के लिए भी बहुत ही जरूरी है और उसी के साथ इंडिया को पाकिस्तान की इन गलतियों से सीखना भी चाहिए। So what can India learn from Pakistan's mistakes? सबसे पहले तो इंडिया को अपने इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे फोकस करना चाहिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी पे फोकस करना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखा जाए और साथ ही जो एक्सेसिव बोरोइंग है उसको अवॉइड किया जाए, ताकि जो डेट टू GDP रेशियो है वो बहुत ज़्यादा हाई ना हो जाए। साथ ही दूसरी चीज जो इंडिया को करना है वो ये है कि वो जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है उस पर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाए, ताकि हमारा जो डिपेंडेंस है ऑन पेरिशेबल फॉसिल फ्यूल उसको कम किया जा सके, जिसकी वजह से अभी पाकिस्तान जो एनर्जी शॉर्टेज से गुजर रहा है वो हम अवॉइड। इंडिया को अपने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे भी फोकस करना होगा, यानी कि इंश्योर करना होगा कि इसके सारे डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशंस है वो प्रॉपर्ली फंक्शन करें और जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स है वो एक्चुअली रूल ऑफ लॉ को फॉलो करें। इसके अलावा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो रिश्ता है उसको एक्चुअली सुधारना होगा। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रहा है, मगर आपसी दुश्मनी को साइड पे रख के रिजॉल्व करने की कोशिश करें तो हमारा जो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट टाई है वो इम्प्रूव होगा, हम अपने इकोनॉमिक गोल को अचीव कर पाएंगे और साथ ही जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट कर पाएंगे फॉर द सिटीजन्स। So this video is for informational purpose only, should not be considered as professional advice. अगर आपको ये video अच्छा लगा है तो like and share जरूर कीजिएगा, इससे हमारी थोड़ी actually थोड़ी नहीं बहुत मदद हो जाएगी। और आपके पास इससे जुड़ा कोई भी सवाल है तो comment section में हमें जल्दी से पूछ भी लीजिए। धन्यवाद।